हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज भी मेरे पास आप सबके लिए गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। तो यार, आप में से तकरीबन लोगों को पता होगा FGC के रिलेटेड, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बताता चलूँ कि FGC फाइटिंग गेमिंग कम्युनिटी है, जिसमें पाकिस्तान को एक सेपरेट रीजन के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाता था। तो यार, मैं आपको आसान अल्फाज में समझा दूँ तो यार, जैसे कि पहले PMPL साउथ एशिया होता था, जिसमें पाकिस्तानी टीम जैसे कि बबलू, I8 वगैरह जाके परफॉर्म करती थी। लेकिन अब PMPL पाकिस्तान होता है, जिसमें सारी की सारी टीम्स पाकिस्तान से होती है और कुछ टीम्स आगे जाएंगी, ये तो कंफर्म हो जाता है। तो इसी तरह टेकन 7 में भी पहले पाकिस्तान के रीजन को कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन अब पाकिस्तान को एज अ अलग रीजन कंसीडर किया जाएगा और पाकिस्तान की गेमिंग कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और जो भी गेमर्स वगैरह उनके लिए भी काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो उसको अवेल करे। तो इसी के रिलेटेड अर्सला नेश ने एक पोस्ट शेयर किया, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो अर्सला नेश ने अपनी पोस्ट में कहा, अबाउट 3 years ago no one would have even considered Pakistan to be on their radar in FSG. Seeing all this incredible people and dreaming of going abroad to compete was all our people could do here. And now Pakistan is officially a part of Tekken World Tour as a legit region. This is an immense honor for our community and unlocking of an achievement. The reason Pakistan is on the map is because of all the hardworking people we have over here who put their heart and soul into the game. I have always said that as a player I am strong because my community is strong and the win is a win for the entire Pakistani FGC. Pakistan Zindabad. To yaar, aapka iske related kya kehna hai ki Pakistani gaming community ke liye kitni badi achievement hai, comment box mein lazmi bataye. To yaar, isi ke sath sath hamari jo agli news hai wo PMWI se related hai. To yaar, कुछ लीक्स निकल के सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि PMWI जो हो रहा है वो कोलेब्रेशन में हो रहा है गेमर्स विदाउट बॉर्डर के साथ। तो यार, जिनको गेमर्स विदाउट बॉर्डर्स के रिलेटेड कुछ नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि गेमर्स विदाउट बॉर्डर जो भी लीक्स वगैरह चलाते हैं वो चैरिटी लीग होती है। तो अगर इनकी PMWI के साथ कोलेब्रेशन हुई तो PMWI भी चैरिटी लीग होगी। इससे ये होगा कि काफी ज्यादा स्लॉट्स वगैरह बढ़ जाएंगे। अभी 16 स्लॉट बताई जा रही है, लेकिन फिर हो सकता है कि स्लॉट 20 से लेकर 40 तक भी हो जाए, और जिसमें पाकिस्तान से I8 और टफ के जाने के चांसेस वगैरह भी काफी बढ़ जाएंगे। और अगर प्लेयर्स की अर्निंग वगैरह के रिलेटेड बात करें तो प्लेयर्स को एक स्पेसिफिक अमाउंट बता दी जाएगी जो इनको मैचेस वगैरह में दे दी जाएगी, और जो विनिंग अमाउंट वगैरह होगी जो टॉप 3 होंगी उनकी, तो वो सारी चैरिटी में जाएगी। तो अगर इसके रिलेटेड कोई भी मुझे और कंफर्मेशन मिली तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। तो यार, ईस्पोर्ट्स नेटवर्क PK जो कि पाकिस्तान में ईस्पोर्ट्स के रिलेटेड तकरीबन तमाम ही न्यूज वगैरह कवर करते हैं और लीग्स वगैरह भी देते रहते हैं, तो उन्होंने PMWI के रिलेटेड जो कंफर्मेशन वगैरह है उनके पास, उसके रिलेटेड उन्होंने कुछ पोस्ट लगाई है। तो उनकी पोस्ट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो उन्होंने बेसिक न्यूज देते हुए PMWI के रिलेटेड कहा, PMWI 2020 विल बी द बिगेस्ट इवेंट ऑफ PUBG मोबाइल ईस्पोर्ट्स वी हैव ever witnessed. A month long event fully land. There will be more than 16 teams competing, which means there will be 20, 24 or 40 slot in this contest. बकाया इसी के साथ साथ लोग काफी ज्यादा ये भी कह रहे हैं कि फैन फेवरेट टीम को भी इनवाइट आ रहा है। तो उसके रिलेटेड उन्होंने कहा, There is no team from Pakistan, Bangladesh, India or any other country around the world which got the invite by being fan favorite yet. और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि ऐसा तो मुश्किल ही हो कि इनवाइट्स वगैरह ना जाए, क्योंकि PUBG मोबाइल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है और इसमें नोवा जो कि ग्लोबल चैंपियन है उसको भी फिर ऐसा ही तो इन्वाइट नहीं जाएगा। तो अगर नोवा को इन्वाइट जाएगा तो पॉसिबल है कि दूसरी टीम्स वगैरह को भी इनवाइट जाए। तो इसके रिलेटेड अगर कोई भी और कंफर्मेशन मुझे होगी तो मैं आपको लाजमी बताऊंगा। तो यार, इसी के साथ साथ हमारी जो अगली न्यूज है वो टीम FS से रिलेटेड है। तो टीम FS का न्यू लाइनअप अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें टायरेंट और एवेंजर का फेयरवेल हो गया है और नई एडिशन हुई है। तो यार, फ्री स्टाइल का जो न्यू लाइनअप अनाउंस हुआ है उसमें मलिक, वसी, ब्लैक, जरबाफ, रिस्पेक्ट और मोमटू खेलेंगे। तो आपको फ्री स्टाइल का नया लाइनअप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। तो यार, आज के लिए मेरे पास आप सबके लिए इतनी न्यूज थी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। बकाया मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।